आला कमान से आदेश मिला तो चुनाव लड़ूंगी। ये कथन सुप्रसिद्ध कथावाचक चिन्मयानंद की पत्नी और नव भाजपा सदस्य प्रियंका पांडे ने मां विंध्यवासिनी दर्शन के पश्चात कहे। मंगलवार के अपरांत करीब 3:15 बजे गाजेबाजी के साथ मां विंध्यवासिनी के दर्शन को पहुंची प्रियंका पांडे ने दर्शन के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मां विंध्यवासिनी के दरबार में वर्षों से लगातार आती रही हूं। अब मैं भाजपा परिवार की सदस्य हूं। मैं पार्टी की तरफ से समाज के लोगों की सेवा करना चाहती हूं। चुनाव लड़ने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि अभी तो मैं सेवा भाव से पार्टी की सदस्य बनी हूं। अगर ऊपर से चुनाव लड़ने का आदेश मिला तो आदेश का पालन करूंगी। उपाध्यक्ष पूर्वांचल प्रभारी होने के नाते मैं क्षेत्र में कार्य कर रही थी सेवा के, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुई हूं। तो आज एक कार्यकर्ता होने के नाते और इस क्षेत्र की बहू होने के नाते मैंने सोचा कि मैं अपने मिर्जापुर के लोगों को मैं स्वयं ही बताऊं कि मैं आज इस पार्टी में शामिल हुई हूं। बस इतना ही आज उद्देश्य था आप सभी के सामने उपस्थित होने का। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है तो आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, पार्टी का अगर आदेश आता है तो जो हमारे स्वामी जी की जो जन्मभूमि है मिर्जापुर त्यापुरा कलना, तो निश्चित ही है कि मैं अपने क्षेत्र से जुड़ना चाहूंगी। कभी बसपा कभी सपा और अब भाजपा में आप आई हैं, तो मैं एक बात आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बसपा में पिछले 12 साल पहले मैं आई थी। मेरा नहीं वहाँ पर मेरी विचारधारा मैच हुई, नहीं मुझे समझ नहीं आया कुछ पार्टी का, क्योंकि हम सनातन परंपरा से जुड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी विचारधारा है वो पार्टी की विचारधाराओं से मैच होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई। इससे पहले मैं कोई सपा में नहीं गई और किसी अन्य दलों में आपने पिछले 12 सालों में मुझे किसी मंच पे नहीं देखा होगा। अभी आपने कहा कि बसपा में मुझे घुटन हो रही थी, तो क्या ऐसी परिस्थिति थी कि घुटन? देखिए, मैं एक हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ, हिंदू परिवार की मैं बहू बनी और मैं एक संत की धर्म पत्नी हूँ, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये सब माहौल मुझे महसूस हुआ कि जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है और उनका सम्मान होता है। जनता को क्या संदेश देना चाहती है? जनता को बस मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहू कल भी। चितईपुर स्थित विद्या विहार कॉलोनी गोविंदपुरम में ओम प्रकाश कश्यप को समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव बनाए जाने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लाल बिहारी यादव पूर्व MLC वाराणसी ने उनको बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, आने वाले 2022 चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जनता त्रस्त है, किसान परेशान, अब झूठों की सरकार नहीं चलने वाली। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुजीत यादव, उमेश प्रधान सदस्य, जिला पंचायत अनिल वर्मा, एडवोकेट पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सचिव विवेक यादव, जिला उपाध्यक्ष मनीष सिंह, उमेश यादव, दर्शन यादव, जितेंद्र वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम यहाँ पे था आज जनपद वाराणसी में हमारे OP कश्यप जी, जो अपने समाज के बहुत बड़े नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। आज उनका हम लोग स्वागत समारोह कर रहे हैं। OP कश्यप जी का स्वागत समारोह मनाया जा रहा है, जिनको उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश का सचिव बनाया गया है, इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो है हो रहा है। क्या है आप सारे पत्रकार बंधु देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश से हर संवर्ग के लोग जो है जिस तरह से समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कुछ दल तो पूरी तरह ख़त्म हो गए और सभी लोग जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसे इस चीज़ का लक्षण दिखाई दे रहा है, इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। यह लक्षण जो है अपने आप स्पष्ट हो रहा है, जिस तरह से सभी दलों से बड़े नेता आकर के जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या नहीं लगता कि BJP से घबरा गए हैं? सभी पार्टियां एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, उसको हटाने के लिए घबरा गए। अब चूँकि BJP रूलिंग पार्टी है, इस नाते उसके अगेंस्ट में इतने ही सारे लोग तैयार हो रहे हैं। बारे में बताएं आप, आज क्या उद्देश्य है आप? देखिए, उद्देश्य तो ये है कि जैसे आज हमारे देश में जो सरकार चल रही है, केंद्र में चाहे राज्य में, लगभग जनता उनसे त्रस्त है।
और विकल्प की अगर बात किया जाए खास करके उत्तर प्रदेश में, तो विकल्प के रूप में एक ही पार्टी है, वह समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़ के काम करने वाली पार्टी है, आम लोगों की आम जरूरतों पर, उन आम समस्याओं पर काम करने वाली पार्टी है। इसीलिए मैं भी आज समाजवादी पार्टी में जुड़ा, उसी उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था और हमारे लिए स्वागत समारोह हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जनों के द्वारा किया गया। चलिए ओके करिए। क्या किस पार्टी से छोड़ के इसमें आए हैं? देखिए, इससे पहले मैं विकासशील इंसान पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पर रहा हूँ और अब मैं समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव हूँ। क्या आप जो पद मिला है उसमें आप क्या उस पर रह के क्या क्या आगे जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, हम जमीनी स्तर के नेता हैं और जमीन से जुड़ के काम करना चाहते हैं। हम आम जनता की आम समस्याओं, आम जरूरतों पे काम करते हैं। कोई लुभावना आप पर मुझे देना नहीं आता। 2022 में अगर सपा की सरकार बनती है तो उसमें जनता को क्या सुविधाएं मिलेंगी? जी बिल्कुल। देखिए, जनता की पहली सुविधा क्या है, जैसे युवा अगर हैं तो युवाओं को रोजगार चाहिए, जो बच्चे हैं लड़के हैं उनको शिक्षा चाहिए, बाकी लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए। रागी बात मंदिरों की जो इस समय बात हो रही है और अभी विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ है, तो हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व में आस्था है, मंदिरों में आस्था है, वो रहेगा, चाहे हम सपा में रहें चाहे कहीं भी रहें। हिंदू है तो हिंदूपना वाली बात मैं हमेशा करूंगा, लेकिन आम जरूरतें क्या हैं? सबसे पहले जरूरत हम लोगों को है स्कूल की, हॉस्पिटल की, कॉलेज की, ये मूल जरूरतें हैं, इन्हें पूरा करना चाहिए। मंदिर तो आम बात है, मंदिर बनवाइए, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ इस पर भी ध्यान दीजिए। भारत में पहली बार प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में आरंभ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी इंडिया के द्वारा 24, 25 और 26 दिसंबर को मिशन शक्ति सेना अभियान के तहत 3 दिवसीय अखिल भारतीय ओपन बालिका चैंपियनशिप का आयोजन काशी के प्रतिष्ठित विद्यालय संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोईराज हरहुआ के वृहद प्रांगण में किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री राहुल सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में समस्त भारत के 15 से 30 प्रांतों से लगभग 300 से 500 बालिका प्रतिभागियों के प्रतिभाग करने की संभावना है। भारत में इस तरह की प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की जा रही है, जहां प्रतिभागियों के साथ ही आयोजन समिति एवं ऑफिशियल भी महिलाएं ही हैं। ये प्रतियोगिता बालिकाओं और महिलाओं को खेल के प्रति जागरूकता और खुद को सशक्त बनाने के सहायक सिद्ध होगी। ये प्रतियोगिता 4 वर्गों में खेली जाएगी। कैंडेट, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर वर्ग में सभी बालिकाएं अपने 4 वर्ग के अनुसार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। संस्था के संस्थापक सदस्य एवं मुख्य प्रशिक्षक सैसई अजीत श्रीवास्तव ने बताया कि तृतीय दिवस समापन समारोह और पुरस्कार वितरण में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर रश्मि सिंह आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में आरंभ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी इंडिया के संस्थापक और निदेशक सैसई डीबी राय शामिल होंगे। नमस्कार, मैं सचिन मिश्रा संरक्षक सदस्य हूँ आरंभ एकेडमी सचिन जी, आज किस तरह की प्रेस वार्ता की गई है? आज 3 दिवसीय जो हमारी अखिल भारतीय ओपन बालिका कराटे जो चैंपियनशिप हो रही है वो संत अतुलानंद के नए प्रांगण हरहुआ जो स्थित है वहाँ पर हो रहा है। लगभग 15 से 20 राज्यों की बालिकाएं और लगभग 300 से 500 की प्रतिभा होने की संभावना है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये पहली बार वाराणसी में ऐसी कराटे प्रतियोगिता हो रही है जो कि वाकई में एक अच्छा पल रहेगा। और दूसरी बात ये कि विशेष शक्ति सेना के तहत एक हम लोग संदेश भी देना चाहते हैं पूरे भारत वर्ष में कि हमारी जो बालिकाएं हैं, जो हमारी नारी शक्ति है, हम उनको किस तरीके से हम सशक्त कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है चौथी कि ये जो पूरी प्रतियोगिता में जितने भी बालिकाएं और जो ये आ रहे हैं उनके जो साथ में जो पूरी टीम है सब बालिकाओं जो प्रशिक्षक हमको लग रहा है प्रशिक्षक अच्छा तो नहीं जैसा हमें सोच रहे थे कि सारी बालिकाएं हैं भी और एक मैसेज दिया जाना है इस मंच के माध्यम से कि आज भी हमारी भारत में जो रहने वाली जो नारी शक्ति है उसका भी एक अपना एक अहम रोल है। और ये हम लोग लगभग 4-5 साल से हम लोग इस मिशन शक्ति सेना के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में क्या खास और आकर्षक केंद्र है? आकर्षक ये है कि देखिए पहली बार ये अखिल भारतीय ओपन कराटे चैंपियनशिप हो रही है। अभी तक तो कराटे चैंपियनशिप जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे होती थी, ये ऑल इंडिया हो रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके मुख्य अतिथि जो है, चूँकि इसमें जितने भी आपने देखा कि सारे कंटेंट में हम लोगों ने नारी शक्ति को ही प्रधान मानते हुए हमने उनको मुख्य अतिथि के तौर पर सरोज पांडे जी को भी हमने आमंत्रित कर रखा है जो कि इस कार्यक्रम को।